नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धनु राशि के सितंबर 2022 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल, ईष्ट भगवान संबंधित सभी जानकारी। आइए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर धनु राशि के राशि स्वामी को लेकर, क्योंकि राशि स्वामी का गोचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मैं बात करूँ गोचर और रिजल्ट और प्रेडिक्शंस को लेकर, क्योंकि मानसिक रूप से चंद्र लग्न बहुत महत्वपूर्ण लग्न माना गया है। चंद्र लग्न में अगर आपके राशि स्वामी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, गोचर में अच्छी स्थिति में है, अच्छे भावों के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के राशि स्वामी बनते हैं, जो कि मीन राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का चतुर्थ भाव में साथ के साथ राशि स्वामी का अपनी ही राशि मीन राशि के अंदर गोचर बहुत शुभ समय माना गया है। राशि स्वामी का दशम भाव से पूरा कनेक्शन सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हैं। दशम भाव की बात करें तो यानी कार्यक्षेत्र की बात करें, आपके कर्मों को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दशम भाव के अंदर कन्या राशि आती है। आपके कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध और गुरु यहाँ पर कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि संबंध बनाकर बैठे हैं, जो कि दोनों ही अपनी राशि स्वराशि के अंदर बैठे हैं। बुध देव उच्च के माने गए हैं कन्या राशि की। अगर मैं बात करूँ तो बुध का गोचर दशम भाव से और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव और दशम भाव के स्वामी, कार्यक्षेत्र में बहुत उन्नति देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के फलस्वरूप, देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि के फलस्वरूप आपकी रेपुटेशन, आपके कार्यक्षेत्र, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं धन के लिहाज से भी यह गोचर आपको शुभ फल देने वाला रहने वाला है। बुधदेव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं इस पूरे माह के अंदर, कन्या राशि के अंदर ही है, तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र बहुत ही शुभ फल देने वाला है। बिजनेस की बात करते हैं, सप्तम भाव के अंदर आती है मिथुन राशि। बिजनेस को लेकर मिथुन राशि के स्वामी भी बुधदेव हैं, जो कि दशम भाव के अंदर उच्च के हैं, तो बिजनेस के लिहाज से भी यह गोचर, इस माह का गोचर आपके धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। सप्तमेश का अपने से चतुर्थ यानी सुख भाव के अंदर गोचर, दशम भाव के अंदर गोचर, केंद्र के स्वामी का दशम भाव के अंदर गोचर, जो कि दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल भूमिका निभाता है। अगर मैं बात करूं केंद्र की, बुध का गोचर बहुत शुभ फल देने वाला है। बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं इस माह के शुरुआत में ही आपके कार्यक्षेत्र के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। लाभ के स्वामी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का गोचर नवम भाव से नवम भाव के स्वामी के साथ में हो रहा है, बहुत शुभ है। नवमेश और लाभेश यानी एकादश भाव के स्वामी दोनों ही नवम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और शुक्र की युति नवम भाव के अंदर बनी हुई है, तो यह गोचर आपको बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। भाग्य पूरा सपोर्ट करने वाला है, कार्यक्षेत्र उन्नति बजाने वाला है। धन के स्वामी की बात करते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव धन भाव से ही गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के अंदर शनि का गोचर बहुत शुभ समय, अगर मैं बात करूं धन को लेकर माना गया है, क्योंकि लाभ के स्वामी की स्थिति की बात करें वे तो बहुत अच्छी स्थिति में है। धन भाव के स्वामी अपने ही भाव से गोचर कर रहे हैं, साथ के साथ चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थेश और चतुर्थ भाव दोनों पर पड़ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ पारिवारिक स्थिति को लेकर, आपके कुटुंब को लेकर, आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ पर सपोर्ट करने वाले अवश्य रहने वाले हैं शनिदेव। अगर मैं बात करूँ तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, आपके परिवारजन के सपोर्ट से भी यहाँ पर आपको धन लाभ के संकेत अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भाग्य के स्वामी की भाग्य भाव में स्थिति आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली है। बात करें हम यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी की, तो चतुर्थेश स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में, लेकिन शुभ ग्रह हैं तो यहाँ पर शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके परिवार को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर यहाँ पर शुभ गोचर रहने वाला है। बात करें पंचम भाव की स्थिति को लेकर, मंगलदेव बनते हैं पंचम भाव के स्वामी।
अपने से दूसरे भाव यानी आपके चंद्र लग्न से छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। मंगल की यह स्थिति शुभ फलदायी नहीं कही जा सकती। चंद्र लग्न से मंगल शुभ फल देते हैं लेकिन पंचमेश का छठे भाव के अंदर गोचर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम दे सकता है। पंचम भाव में वैसे भी राहु की गोचर क्योंकि मेष राशि के अंदर राहु का गोचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति में राहु की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर है, अपने ही भाव के ऊपर है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं द्वादश भाव भी एक्टिवेट हो रहा है तो हेल्थ के रूप को लेकर धनुराशि वालों को यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, उन्नति कारक है, भाग्य में वृद्धि होगी, लाभ की मात्रा भी है, धन को लेकर भी शुभ समय है, बिजनेस को लेकर अच्छा गोचर है, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।